उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार अल्पमत हैं जबकि लालू प्रसाद बहुमत में, इसलिए नीतीश ने लालू को समानांतर सीएम स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कौशल विकास को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं भी गिनवाई। नीतीश कुमार मजबूर है और उनकी मजबूरी है कि सरकार चलाए, क्योंकि वो अल्पमत में है, लालू यादव बहुमत में है। उनको पता है कि जिस दिन लालू यादव चाहेंगे वो सरकार, उस गद्दी उनको छोड़ना पड़ेगा, तो उनकी मजबूरी को हम समझते हैं और इसीलिए उन्होंने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री मैं हूं। लेकिन अगर पैरेलल कोई मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाना चाहता है तो बिहार की जनता को स्वीकार करना पड़ेगा, बिहार की जनता को मानना पड़ेगा कि उनके बहुमत के कारण आज वो सरकार में है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के तहत तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन बिहार तो बिहार है अपने आप में, और बिहार में मुख्यमंत्री बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत कामयाब व्यक्ति हैं। और वैसे कामयाब व्यक्ति ने यह ऐलान किया है कि लालू यादव उनके साथ साथ शासन चलाएंगे दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में, तो शायद सोच समझ के ही किया होगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी योजना का ऐलान किया है और देश में नौजवानों के रोजगार के लिए और नौजवानों को, विशेष करके असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए कौशल विकास का राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया है। और हमारे लिए जरूरी है कि इस कौशल विकास केंद्रों का जाल पूरे देश में फैला दें, और इसी क्रम में कौशल विकास मंत्रालय के कई कार्यक्रम कल गुवाहाटी में आयोजित किए गए और गुवाहाटी में समीक्षा की बैठक है, और समीक्षा की बैठक के तुरंत बाद पूरे गुवाहाटी में ही नहीं पूरे असम में कौशल विकास केंद्रों का जाल बिछा दिया जाएगा ताकि नौजवानों को सीधा सीधा लाभ मिल सके।